उनमें से कितने फैसले अच्छे, कितने फैसले नुकसान दे, कितने फैसले जो आपके हक में नहीं है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं, उसकी तफसील हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मेरी ये कोशिश है कि जो मुझे महसूस होता है कि आपके मसाइल हैं, जैसे नौजवानों के मसाइल, 2012 से अभी तक कोई नौकरी लोगों की नहीं लग रही है। किसी वक्त होता था कि RET के लिए 12वीं पास टीचर लगता था, आज हमारे PhD लड़के यहाँ पर गुलाबगढ़ एरिया में बैठे हैं। आप PG कितने ही होंगे, BEd कितने होंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। PhD में जो मुलाजम है उसको जैसे 2012 में वो डेली वेजर था, आज भी वो डेली वेजर है, मेरे ख्याल में 10% लोग उसमें से रिटायर भी हो गए। NHM जो हस्पतालों में लगे, कोई मेडिकल स्कूल लगा, कोई वो भी परमानेंट करने की जरूरत है। आपका रूरल डेवलपमेंट का स्टाफ है वो भी टेम्परेरी, इतने सालों से चल रहा है, 12 साल, हर चीज टेम्परेरी परमानेंट कुछ नहीं है। इस तरह के इतने बच्चे PhD में इतने हैं, इरीगेशन में हैं, जंगलात में हैं, यानी कितने ही लोग हैं इस इलाके के लोग। ऐसी सरकार बनाने की जरूरत है जो इन सब लोगों को रेगुलराइज करें। BJP वाले लोग जो ये सरकार में इस वक्त हैं, पिछले सरकार में जब हम चाहते थे वो हमें कहते थे ये आपका 70 साल का गुनाह है, कहते शुक्र है इतना सा गुनाह तो हमने किया, किसी को रोजी लगाए, इस गुनाह को रोजी लगाए, अब इस गुनाह को सुधारो, लेकिन उन्हें निकालना शुरू किया। अब अगर हम जो उस वक्त बच्चा 30 साल का था, आज वो कितने साल से 40 साल का, अगर 2 साल में उसको नौकरी नहीं मिली तो वो ओवरेज हो गई, फिर किसने पूछना है, किसी ने पूछना है, 2 साल पता नहीं लगता। जो उस वक्त 18 साल का था 2012 में, आज कितने साल का है, 30 साल का, उस वक्त वो सिर्फ खुद बच्चा था, आज उसके 3-3 बच्चे हैं, उनको रोजी देनी है कि नहीं देनी है। उस हालात में ऐसे नुमाइंदे चुनने की जरूरत है, और मैं ये पेशकश करता हूँ कि मैं उन चीज़ों पर आपके भरोसे पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, है ना, उस पर उतरने की। अब आप ज़्यादा जानते हो, नुमाइंदे आपके सामने होंगे, कोई नया चेहरा नहीं होगा जो बाहर से आया होगा कि जिसको आप सोचोगे वहाँ से या वहाँ से। वो कहते हैं काम देखो किसने क्या किया है, है ना, हम जमीन में प्याल लगाते हैं ना, वो आप लगाते हैं उसको भी 10 बार सोचते हैं यार कोई ऐसा हो जो इसमें वो अच्छी मेहनत करे और फसल अच्छी हो जाए, है ना। हम अगर कोई जानवर भी खरीदते हैं उसको भी देख के लेते हैं यार ये भैंस गाय दूध देगी कि नहीं देगी, उसको लेते हैं अच्छी तरह। लेकिन नुमाइंदा चुनते हुए हम ये चीज़ें कभी जज्बात में आकर बह जाते हैं, कोई इधर से प्रोपेगेंडा, कोई उधर से झूठ, कोई उधर से झूठ। इतने सालों से ये नेशनल हाईवे होने चाहिए, नेशनल हाईवे होने चाहिए, उसके साथ मुगल रोड नेशनल हाईवे बनी ना, पीर की गली वाली नेशनल बनी ना, वो कितनी 8 लेन बन रही है बनाल वाले, ये तो शॉर्टेस्ट है। किश्तवाड़ वाले नेशनल हाईवे जैसे रेलवे स्टेशन का कामन वाली साइड ला गया, इधर से भी लग सकता था। किश्तवाड़ वाले इतने नेशनल हाईवे जम्मू और श्रीनगर के बीच में, किश्तवाड़ वाले भी है ना जो डक्सम से जाते हैं, है ना, ये तो सबसे शॉर्टेस्ट है। ये भी एक लड़ाई है, इस लड़ाई को भी रखने के हर कदम पर लड़ाई है। 2-2 फुट बनाने से सड़क नहीं बनेगी कभी भी, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल 2-2 फुट जब तक पूरा देख रहा है नहीं हो सकती। हम कहेंगे रस्सी का फीता लेंगे और 50-50 फुट नापते रहेंगे, उससे नहीं है। ये सड़कें सिर्फ नीचे से आ रही है, दिखाई दे रही है अभी तक, आप ऊपर आपका गाँव खजोल खाली, भूखन खाली, अगराला खाली, भल खाली, गुजरात खाली, और तो गई है ऊपर वाला सारा एरिया खाली, नीचे नीचे ये जो है आप जो टेबल को कनेक्ट करने वाले वाले टैक्स देते हैं, टैक्स देते हैं भर भर के, जो चीज़ कल 20 रुपए की थी आज हम उसका टैक्स 20 रुपए देते हैं और उसके ऊपर हमें आना चाहिए ना पैसा वापस।
इसलिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें नुमाइंदा चाहिए जो असेंबली में आवाज़ उठा सके। अब ये आपको देखना है कि कौन आपकी आवाज़ उठा सके, कौन नौजवानों की आवाज़ उठा सके। हॉस्पिटल कहते हैं हमने 108 दे दी, 108 क्या करेगी? 108 दो घंटे में पहुंची है, 3 घंटे में क्या नाम है माहौल, फिर उसके बाद 3-5 घंटे लगेंगे जम्मू पहुंचते थे, 8 घंटे मरीज बचेगा? स्पॉट क्या करेंगे? अब तक ऐसे इलाके में ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए, यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होने के चांस है, ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए। इस तरह का ये जरूरतें हैं ना, इसको क्या एम्बुलेंस क्या करेगी? इसमें एम्बुलेंस कुछ नहीं करेगी, चाहे दे कोई या ना दे, वो मुख्तर सफर हो उसमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। इस तरह स्कूल, कब तक हम पहले बच्चों को दिलवाए JNV का टेस्ट दिलवा के, हाँ जी कहाँ जी उधर जाओ जिगानू जाओ, आप कहाँ रियासी पहुंचे, कभी इधर भी तो पहुंचे, इधर भी तो जिगानू स्कूल होने चाहिए, यहाँ पर कम से कम ऐसे इलाके में होने चाहिए जहाँ पर बाकी स्कूल कम है, जहाँ पर उधर तो इतने इतने प्राइवेट स्कूल हैं, इतनी बड़ी अच्छी अच्छी फीस।